फोटोशॉप में एक्शन कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको सिखाऊंगा। पहले फोटोशॉप ओपन कीजिए। मैं तो पहले ओपन कर दिया, आप ओपन कर दीजिए। बाद में एक फोटो ओपन कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने से फोटो आ जाएगा, नहीं तो फाइल मेनू को जाइए, ओपन कर दीजिए, वो भी फोटो आ जाएगा। अदरवाइज आप कंट्रोल ओ मार सकते हो, कंट्रोल ओ मारने से वो भी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप फोटो चूज कर सकते हो, किसी को ड्राइव पे जा सकते हो, जो भी ड्राइव पे आपका फोटो है आप ड्राइव पे जा सकते हो और चूज कर सकते हो। मैं एक फोटो चूज कर लिया, इसी फोटो को पहले क्रॉप करना है। क्रॉप टूल चूज कीजिए। क्रॉप टूल चूज करने से यहाँ पे मेरा फिक्स साइज है 3 इंच का 4 इंच, विड्थ 3 इंच, हाइट 4 इंच का, रिजोल्यूशन 100% है। उसके बाद वो क्रॉप को साइज करना है, वो सेंटर पे आ जाएगा। करने के बाद तुम एंटर मार सकते हो, एंटर मारने के बाद वो साइज फिक्स हो गया। बाद में कंट्रोल एन क्लिक कीजिए। कंट्रोल एन क्लिक करने के बाद हमको जो भी साइज चाहिए, ए फोर साइज चाहिए तो ए फोर साइज ले सकते हो। ए फोर साइज लेने के बाद तुम उसी फोटो को यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। वो ड्रैग करने के बाद तुम विंडोज मेनू एंड क्लिक एक्शन 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 का शॉर्टकट भी है F9। पहले सेट कीजिए न्यू सेट। न्यू सेट का नाम दे दीजिए पासपोर्ट। पासपोर्ट साइज फोटो, ओके। फिर से न्यू एक्शन, एक्शन दे दीजिए उनका नाम, क्या है उनका नाम, फॉर एग्जाम्पल दिव्य, ओके दिव्य। सेट फोटोशॉप साइज फोटो। बाद में फंक्शन भी आ गया, वो फंक्शन की को कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं F2 एंड कंट्रोल दोनों को सिलेक्ट किया। बाद में रिकॉर्ड में ऑन कर दिया। रिकॉर्ड ऑन करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन हो गया, तो जो भी कर सकते हो यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड हो रहा है। देखो ऑल्ट प्रेस कर रहे, ऑल्ट प्रेस करने से कॉपी हो रहा है। बाद में शिफ्ट प्रेस कीजिए, शिफ्ट प्रेस करने से उसी हिसाब से रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा, ओके। मैं ऑल्ट प्रेस कीजिए, फिर से ऑल्ट प्रेस कीजिए, फिर से ऑल्ट प्रेस कीजिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए, फिर से ऑल्ट प्रेस कीजिए। वो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 फोटो है, वो सबको सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए, बस शिफ्ट प्रेस कीजिए, ऊपर क्लिक कीजिए, एंटर क्लिक हो गया, टोटल सब सिलेक्ट हो गया। नहीं तो आपको एक एक करके सिलेक्ट कीजिए, तो कंट्रोल प्रेस कीजिए, बाद में क्लिक कीजिए, तो एक एक ही सिलेक्ट हो गया। उसी के बाद वो सबको मर्ज कर दीजिए, कंट्रोल ई मर्ज का शॉर्टकट, वो कंट्रोल ई मर्ज हो गया। देखो एक लेयर पे सब कुछ है। उसी के बाद रेक्टेंगल टूल जाइए, रेक्टेंगल टूल पे इसी तरह से सिलेक्ट कर दीजिए, ओके। इसके बाद ऑल्ट प्रेस कीजिए, मूव टूल जाइए, ऑल्ट प्रेस कीजिए। देखो तुम जो भी कर सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी कर रहे हो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। टोटल कितना कॉपी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा पेज फुल हो गया, उसी के बाद मैं रिकॉर्ड बटन को स्टॉप कर दीजिए। मेरा रिकॉर्ड बटन स्टॉप हो गया, तो एक्शन पे जितना भी काम किया मैं
एक्शन पे सेट हो गया। इसी के बाद वो हो गया मेरा सेट, उसके बाद उसको क्लोज कर दीजिए। हम एक्शन क्यों सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी ऑप्शन को बाद में यूज करूँगी तो हमका आसाना हो जाएगा, आसान से हम हमारा पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं। बाद में डबल क्लिक कीजिए और एक फोटो लीजिए, वो आ गया। अभी क्या करना है हमको, क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद हमको सेंटर को, सॉरी कंट्रोल जेड, अभी हमको सेंटर पे क्रॉप करना है। हो गया क्रॉप, अभी एंटर मार दीजिए। एंटर मारने के बाद क्या करना है, न्यू फाइल लेना है। न्यू फाइल से ए4 साइज ले गया। क्या था हमारा शॉर्टकट, कंट्रोल F2। तो कंट्रोल F2 मारने से हमारा सॉरी बाद में सेट कर दीजिए, यहाँ पे कंट्रोल F2 मार दीजिए। नहीं हो रहा है, कंट्रोल F2 हो गया। देखो कंट्रोल F2 मारने के बाद हमारा कंप्लीट हो गया। ये है हमारा एक्शन। आज का क्लास में एक्शन का कोई डाउट है तो मेरा कमेंट बॉक्स पे कमेंट दीजिए, नहीं तो मेरा फोन पे फोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।